हेलो स्टूडेंट्स, क्लास साइंस स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने बात की थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, काफ़ी सारे डिस्कशन अपन पहले भी कर चुके हैं पिछली जितने भी अपनी क्लासेस हुई हैं उनमें। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पहले का वीडियो जाके देखें और जो जो टॉपिक उसमें कवर कर चुके हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें। आज स्टार्ट करते हैं, अपनी बुक्स अपने जरूर साथ में रखें हमेशा, ठीक है। आपकी जो बुक है वो हमेशा आपके साथ होनी चाहिए, डायरेक्टली जिससे आप देख सको कि अपन क्या पढ़ा रहे हैं और कितना पढ़ाया जा चुका है ना। आज अपन पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, करेक्ट, जो इसमें भी डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज होते हैं अपने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पेज नंबर 34 स्टार्ट करते हैं। 4000 ऑफ इयर्स मैन लिव इन इग्नोरेंस ऑफ व्हाट कॉज डिजीज। पीपल हैड एक्सप्लेनेशन एंड बिलीव्स अबाउट व्हाट कॉज डिजीज, द मोस्ट कॉमन ऑफ व्हिच वाज दैट सिकनेस वाज कॉज्ड बाय द इविल स्पिरिट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ए विक्टिम, करेक्ट। तो इसमें क्या बोला है, अभी तक ये बोला है कि जितने भी अपने लास्ट ईयर रही है, लास्ट सेंचुरीज में, पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि अगर कोई भी इंसान, जिसको कोई भी इंसान भी कुछ भी बीमार हुआ या कोई भी सिकनेस आई, कुछ भी उसका डिजीज हुआ, तो पहले लोग क्या उसका रीजन जो था वो रीजन समझते थे कि उसकी बॉडी के अंदर कोई इविल स्पिरिट आ गई है, उसकी वजह से वो बीमार हुआ है ना। आज भी काफ़ी सारी जगह पर आपको काफ़ी सारी बीमारियों में देखने को मिलेगा ये पैटर्न, कि जहाँ पर लोग कुछ और अपने ट्रेडिशनल जो तरीके हैं वो फॉलो करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करते हैं अजीब गरीब जो आपको लग सकती है ना। पहले भी लोग यही किया करते थे काफ़ी सारी जगह पर, तो एक्चुअली ऐसा भी हुआ है कि जो पेशेंट था उसको मार दिया गया ना, सिर्फ इस वजह से कि लोगों को लगा कि इसकी जो बीमारी है वो दूसरे लोगों में फैल सकती है, ये इविल है ना, या फिर इसमें कुछ आत्मा वगैरह टाइप का है ना, स्पिरिट वगैरह कोई आ चुकी है, इस वजह से पहले लोगों को मार भी दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने आगे बढ़ा, साइंस जैसे जैसे डेवलप हुआ, उसका एक क्राइटेरिया डेवलप हुआ, तो अपने देखने को मिला कि अलग अलग जो डिजीज होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट की वजह से होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलो तो इसमें यही बोला है, मलेरिया वाज थॉट टू बी ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ बैड एयर। इसमें क्या बोला गया है कि आप जो आपको पहले मलेरिया होता था, मलेरिया कैसे बीमारी समझते थे लोग, क्या समझते थे मलेरिया के बारे में, लोगों का ये मानना था कि अगर हम जो गंदी हवा है इसको इनहेल कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं, तब आपको मलेरिया हो जाता है। लेकिन ये अपना जानते हैं मलेरिया मच्छरों की वजह से होता है ना। तो काफ़ी सारे ऐसे डिजीजेस थी जिनके बारे में ऐसा मानना था, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड कॉलेरा वाज इन्फ्लेक्टेड एज ए कर्स ऑफ सम एंग्री गॉडेस। जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और कॉलेरा जैसी बीमारियाँ हैं, वो ये समझते थे कि कोई देवी देवता ने या किसी ने आपको श्राप दिया है, कर्ष को श्राप दिया ना, कुछ जैसे कहीं पे अगर कुछ हो गया, ये चिकन पॉक्स वगैरह फैल गया, इसका मतलब एक गाँव की जो देवी वगैरह है उन्होंने प्रकोप दिखाया किसी बात को लेकर नाराज है। ऐसे टाइम में जो पहले के साधु या फिर सब पे नहीं कह रहा, लेकिन कुछ साधु इस चीज़ का फायदा भी उठाते थे ना, ऐसी चीज़ों से लोगों को इजीली डराया जा सकता था और अच्छे पैसे मुनाफा कमाया जा सकता था, लोग इस तरीके से भी इस चीज़ को देखते थे ना। इट वॉज नॉट अंटिल 1865 दैट साइंस वॉज एबल टू प्रूव दैट माइक्रोब्स वर द कॉज ऑफ डिजीज जर्म्स। 1865 में क्या होता है, जर्म थ्योरी इज बेसिकली रिलाई ऑन द फैक्ट दैट ऑल द डिजीजेस इज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यू कैन से लाइक दैट ऑल द डिजीजेस आर ड्यू टू जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी यही बोलती है कि जितनी भी डिजीज वगैरह होती है वो किसकी वजह से होती है, वो जर्म की वजह से होती है, करेक्ट। जब ये जर्म थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई उसके बाद लोगों को इसमें इंटरेस्ट आया कि हाँ यार सही बात कह रहे हैं, आगे देखते हैं।
इट वॉज द लुईस पाश्चर हु फर्स्ट स्टेट द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। किसने दी जर्म थ्योरी अपने पहले पढ़ा है? लुईस पाश्चर। किसने दी थी? लुईस पाश्चर। किसने ये थ्योरी दी थी आपको? लुईस पाश्चर ने थ्योरी दी थी। आगे देखते हैं। ए नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड क्लोथिंग लेदर। लेट्स स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। तो इसमें क्या बोला गया है? जंगल में जो हमारा फूड है वो खराब हो सकता है, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, कपड़ों में भी आपने देखा होगा फफूंद अटक के रहती है अगर काफी समय तक पड़ा रहे तो। उसके अलावा खाने पीने की चीजें खराब होती ही हैं, कपड़े खराब हो सकते हैं, हमारी स्किन डिजीजेस हो सकती है, हमारे अलग टाइप की इंटरनल डिजीजेज हो सकती है, है ना। तो बहुत सारी डिजीज होती हैं जो अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। अपन उन्हीं की बात करेंगे। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन ह्यूमन, कि ह्यूमन्स में कौन कौन सी डिजीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से होती है, अपन उसकी बात करते हैं। इनको बोला करेंगे पैथोजेंस, है ना। पैथोजेंस एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ द वाटर वी ड्रिंक और फूड बाय ईट। इसमें क्या बोला गया है कि जितने भी जर्म्स वगैरह हैं वो अपने शरीर में मेनली कैसे जाते हैं? या तो अपन एयर जब इनहेल करेंगे तब जाएंगे, या हम कोई पानी पिएंगे तब पानी के साथ जाएंगे, वाटर लेंगे तब जाएंगे, या फिर फूड वगैरह हम लेंगे इंटेक करेंगे तब जाएंगे, करेक्ट। तो जनरली जितने भी माइक्रोबैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं वो सारी के सारी हमारे बॉडी में किस तरह से एंटर होती है? या तो हमारे जो नाक के जरिए, नोज के जरिए, ठीक है, या फिर हम इनहेल करते हैं या कुछ हमारे अंदर एंटर होती है, करेक्ट। They also get transmitted by directly contact with an infected person and carried through an animal. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या है कि एक कॉन्टैक्ट के जरिए भी ये ट्रांसफर हो सकती है, फिजिकल कॉन्टैक्ट ना, फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट क्या होता है कि सपोज इन बोर्ड पर अगर जम्स लगे हुए हैं, मैंने इसको टच किया, क्या जम्स मेरे हाथ में आ गए, क्या कुछ जम्स मेरे हाथ में आ जाएंगे? अगर मैं उससे किसी चीज़ को पकड़ता हूँ और उसको खाता हूँ तो क्या मेरे अंदर भी चले जाएंगे? बिल्कुल, इसको मेरे अंदर भी चले जाएंगे। तो इस तरह से डिजीज फैल जाती है। बात समझ में? डिजीज जो भी फैलती है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैल सकती है। जैसे आज जो भी COVID-19 चल रहा है वो कॉन्टैक्ट से फैल सकता है ना। तो इस तरीके से ये जो माइक्रोबैक्टीरियल होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं एक ह्यूमन बॉडी टू अनदर ह्यूमन बॉडी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या सर ये ऐसा भी होता है कि एनिमल टू ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट हो सकते हैं क्या? स्पीशीज को जंप कर सकते हैं? स्पीशीज जंप कैसे होती है? जैसे सपोज कोई व्यक्ति ने स्टार्टिंग में फिश में या उससे छोटे किसी कीड़े में था, सारे एंटीबायोटिक्स हमारे
तो बात ये है कि ह्यूमन बॉडी भी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है, एनिमल भी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है। काफी सारी डिजीज ऐसी है जो एनिमल की ह्यूमन बॉडी, जितने भी आज तक की जितनी भी बड़ी बीमारियां आई हैं, चाहे वो एड्स की स्टार्टिंग में से माना जाता है कि चिंपैंजी की ह्यूमन बॉडी ट्रांसमिट हुआ है। आई होप दिस इज अ स्टोरी। फिश टू ह्यूमन बॉडी ट्रांसमिट ऐसी बीमारियां होती है क्या, बिल्कुल होती है क्या? पहले तो बीमारी ऐसी हुई है बिल्कुल, जैसे एक पिग फ्लू था, बीच में पिग फ्लू आया था, जिसे आप स्वाइन फ्लू कह सकते हो, है ना। ऐसी बीमारी आएगी जो पिग से भी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट हुई है ना, क्योंकि सर पिग तो अपन खाते नहीं, अपने कैसे बॉडी में ट्रांसमिट हो? ऐसा नहीं है पिग को खाने से ना, सिर्फ पिग को खाने से नहीं, अगर किसी और ने खाया उसकी बॉडी में चले गया, उससे कॉन्टेक्ट के थ्रू तुम्हारे भी अंदर आ सकता है। बस जैसे कोरोना है, तो अभी ऐसा माना जाता है कि अलग स्पीसीज को जब ह्यूमन ने खाया तो उसके बाद स्पीसीज को जंप करके आया, पहले किसी और स्पीसीज में था, उससे किसी और स्पीसीज में गया, उससे फिर ह्यूमन बॉडी में जंप किया, तो अलग अलग स्पीसीज को जंप भी किया जा सकता है। इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे अपन आगे कभी। कम्युनिकेबल डिजीज आर डोज विच आर पास ऑन फ्रॉम एन इफेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेज कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मेसल्स, एंथ्रेक्स एंड मलेरिया। ये क्या होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीजेज कौन सी होती है? कम्युनिकेबल डिजीज होती है जैसे अभी मैं इन्फेक्टेड हूँ और अगर मैं अपनी बीमारी, मेरी जो बीमारी है, मेरी जो डिजीज है, वो कम्युनिकेट करना चाहूँ से, कम्युनिकेट मतलब ऐसे बातचीत नहीं, कम्युनिकेट मतलब यह मतलब हुआ कि मेरी बॉडी से तुम्हारी बॉडी में ऑन द बिहाफ ऑफ एनी ट्रांसमिटेड मीडियम वो ट्रांसफर कर सके मेरी बॉडी से तुम्हारी बॉडी में। जैसे या तो मेरी बॉडी से जब मैंने सांस छोड़ा तो उसमें कुछ बैक्टीरिया आए, वो बैक्टीरिया तुमने एब्जॉर्ब कर ली, वो तुम्हारी बॉडी में फैल गई। क्या ऐसी डिजीज होती हैं? तो ये सारी उन डिजीजों के नाम हैं जो एक से तुम्हारे में फैल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे हार्ट अटैक आता है ना, तो क्या तुम्हें भी हार्ट अटैक आएगा? ऐसा जरूरी है क्या? अगर तुम आस पास बैठे तुमने, क्या वो डिजीज मुझसे तुम्हें फैल सकती है क्या? नहीं, वो बिल्कुल रैंडम डिजीज है। बात में अगर किसी को कैंसर है तो बिल्कुल रैंडम डिजीज है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन हाँ, क्या ये मलेरिया जैसी बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी, ये क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है क्या? बड़ी इजीली से। कॉमन कोल्ड आप देखते हो घरों में, सर्दी जुकाम खांसी जब होते हैं, तो अगर एक को हुआ है तो काफ़ी सारे लोगों को वो कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक ह्यूमन बॉडी से दूसरी ह्यूमन बॉडी में इजीली ट्रांसफर हो जाती है। आगे बात करते हैं, देखो स्प्रेड थ्रू एयर, मतलब एयर के जब आप बात करें एयर की, तो एयर के थ्रू कैसे डिजीज स्प्रेड होती है उसके अपन बात कर रहे हैं। कॉमन कोल्ड फॉर एग्जाम्पल स्प्रेड थ्रू एयर, एयर के जरिए ये आगे फैलता है। When an infected person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक मान लो कि मलेरिया मुझे है ना, और मुझे स्नीज मतलब छींक है ना, तो अगर मैंने स्नीज किया तो क्या हुआ, काफ़ी सारे ड्रॉपलेट्स जो वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब पानी की बूंदें, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी वो उसके साथ बाहर आती हैं। ऐसा बोलते हैं कि मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं और काफ़ी 6 to 7 feet तक की दूरी डिस्टेंस तक है में आराम से चले जाती हैं। ये एक अच्छे से स्नीज होता है, और अपन इंडियन जो तुम जानते हो ना, अपन तो महीने भर पहले से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं ऐसे करके, और फिर काफ़ी दूरी तक फेंकते हैं, तो उसकी वजह से डिजीज दूरी तक जाती है और वो आसपास के सभी लोगों में फैलती है। तो ये इसीलिए अपन को मास्क के लिए बोला जाता है कि अगर कुछ भी ऐसा हो तो डिजीज चारों तरफ ना फैले, इसलिए अपन मास्क लगाते हैं। चलो यहाँ तक की बात अपन आज करिए, कल इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ें और अपने नोट्स कंटिन्यू रखें।